हेलो एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू बिग फैक्शन यूट्यूब चैनल सो आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है ओमनी चैनल मार्केटिंग या फिर आप कह लीजिए ओमनी चैनल प्रेजेंस या ओमनी चैनल डिजिटल मार्केटिंग तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के सो so, आज हम हम सभी को एक बात ज़रूर क्लियर है कि जो प्रॉस्पेक्ट है वो हर जगह प्रेजेंट है जो फ्यूचर में हमारा क्लाइंट बन सकता है कन्वर्जन की तरफ जा सकता है हमारी सर्विसेज या प्रोडक्ट खरीद सकता है वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर प्रेजेंट है हर जगह प्रेजेंट है क्योंकि इंटरनेट आजकल बहुत ईजिली अवेलेबल है और फ्री में अवेलेबल है क्योंकि वो इजीली एक्सेसिबल है तो हर कोई जो प्रोस्पेक्ट्स है हमारे वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं सो so, आप ये समझिए कि जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो फेसबुक पे भी हो सकता है फेसबुक पे स्क्रॉल करता हुआ हो सकता है इंस्टाग्राम फीड्स में भी वो चेक करता हुआ हो सकता है वो सर्च करके अलग अलग वेबसाइट्स पे भी प्रेजेंट होता है उसके अलावा स्नैपचैट है आजकल पी इंटरेस्ट है तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर एक ही प्रोस्पेक्ट अवेलेबल होता है मल्टीपल टाइम्स पे सो so, इसमें एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि आपके पास मान लीजिए फेसबुक है इंस्टाग्राम है स्नैपचैट है ट्विटर है यूट्यूब है उसके अलावा ब्राउजिंग वेबसाइट जैसे कि ब्लॉग्स वगैरह आ जाते हैं जो सर्च के इसमें अपीयर होते हैं उसके अलावा आजकल जो पॉपुलर चल रहा है वो पी इंटरेस्ट है उसके अलावा पॉडकास्ट वगैरह है ठीक है अब इतने सारे जो मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात की या चैनल्स की बात की मैंने तो उसमें मान लीजिए कि आपका जो ब्रांड है या आपका जो कंपनी है आपकी जो पेजेस हैं वो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे सिर्फ अवेलेबल है तो कोई कंज्यूमर या फिर कोई भी प्रॉस्पेक्ट अगर वो फेसबुक पे अवेलेबल है तो ही वो आपको फॉलो कर पाएगा आपके पोस्ट को देख पाएगा या फिर जो भी आप अपडेट डाल रहे हैं उनको वो चेक कर पाएगा सेम आपका इंस्टाग्राम पर भी होता है अगर आपका प्रॉस्पेक्ट इंस्टाग्राम पर अवेलेबल है तो वो देख पाएगा करेक्ट और इस सेम सिनेरियो में क्या है कि आप बाकी जो प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ना आपका वेबसाइट है ना ब्लॉग्स अपडेट कर रहे हैं ना ही आपका यूट्यूब चैनल है ना ही पे पर कुछ है ना ही पॉडकास्ट है तो आप सिर्फ़ दो प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं और बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे आप अवेलेबल नहीं हैं ठीक है अब इस सेम एग्ज़ाम्पल पे आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आपका जो कॉम्पिटिटर ब्रांड है या कॉम्पटिटर कंपनी है वो जो है फेसबुक पे भी अवेलेबल है इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है उसका यूट्यूब चैनल भी है वो ट्विटर पे भी अवेलेबल है यहाँ पे और वो उसका मान लीजिए उसका पॉडकास्ट भी है बाकी मान लीजिए उसका वेबसाइट ना हो या वेबसाइट भी हो या वो ब्लॉग्स भी अपडेट कर रहा हो तो अगर आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे आपके जो अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स है वो सिर्फ दो है एंड आपका जो कॉम्पिटर ब्रांड है वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे है आपके सिनारियों में आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो सिर्फ दो ही जगह पे आपको देख पाएगा फॉलो कर पाएगा पर आपके जो कॉम्पिटिटर ब्रांड है उसका जो प्रोस्पेक्ट है उसको वो मल्टीपल आपसे ज्यादा प्लेसेस पे वो फॉलो कर पाएगा फिर वो उसके अपडेट्स चेक कर पाएगा आ, अगर मैं मैं एज अ प्रोस्पेक्ट अगर मैं बताऊं अगर मेरे पास एक ए ब्रांड है और एक बी ब्रांड है मैं देख रही हूं कि ठीक है मैं आ, मैंने फेसबुक ओपन किया मैंने ए ब्रांड भी देखा एंड बी ब्रांड भी देखा थोड़ी देर के बाद मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया वहां पर भी मुझे दोनों दिखे पर अब मैं थोड़े टाइम के बाद जब यूट्यूब पे देख रही हूं तो यूट्यूब पे मुझे बी ब्रांड का सिर्फ एड दिख रहा है एंड जब मैं कुछ बाद में सर्च कर रही थी मान लीजिए हेयर रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है हेयर कंडीशनर है तो उसके वेबसाइट का जो ब्लॉक है वो भी अपीयर होता है वहां पे तो ऐसे कंडीशन में जो प्रोस्पेक्ट होता है वो ज्यादा उसके चांसेस होते हैं कन्वर्ट होने के लिए बी ब्रांड के लिए एज कंपेयर टू ए ब्रांड तो ये इस एग्जाम्पल का मतलब ये था कि एट द एंड ऑफ द डे किसी भी कंपनी क्या मोटिव होता है कि क्लाइंट उन्हें रिटेन करना है किसी भी प्रोस्पेक्ट को उन्हें कन्वर्ट करना होता है कंज्यूमर में या फिर कस्टमर में या फिर अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करना ही उनका मेन मोटिव है करेक्ट अगर आप इस perspective से अगर आप देखेंगे तो बी ब्रांड को ज्यादा एडवांटेज होगा ए ब्रांड के इसमें क्योंकि वो बहुत सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है एज कंपेयर टू अदर ब्रांड तो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इनको हम मार्केटिंग चैनल जैसे ही तो यूज करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इनकी कंबाइंड या इंटीग्रेट पावर जो है उनको हम सही से यूज करें तो अगर मान लीजिए आप सभी जगह प्रेजेंट है तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि मान लीजिए जो आपका प्रोस्पेक्ट या यूजर है वो आपको नहीं जानता या आपकी ब्रांड के बारे में नहीं जानता तो वो क्या कर सकता है कि आ, उसने आपका कोई एक ऐड या आपका कोई एक पोस्ट उसने इंस्टाग्राम पे देखा जिसका कंटेंट उसे अच्छा लगा अब वो उसके बाद आपका इंस्टाग्राम पेज चेक कर सकता है उसके बाद वो आपको शायद यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकता है एंड हो सकता है कि आप उसके अलावा आप आपका पॉडकास्ट भी है तो आपके पॉडकास्ट को भी रेगुलर बेसिस पे फॉलो कर सकता है तो ये फायदा होता है आपका आपका या आपके ब्रांड का मल्टीपल चैनल्स uh, पे अवेलेबल रहने का इसमें जो सेकेंड या फिर आप मान लीजिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच जो है वो ये है कि आप इसको री के लिए कैसे कर सकते हैं या ज्यादा से ज्यादा री आप इसको यूज करके कैसे कर सकते हैं हैं। तो मैंने जैसे बताया थोड़ी देर पहले एक यूजर जो है आज के डेज में आज के दिन में वो बहुत सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल होता है आप अगर एज ए यूजर आप खुद सोते हैं तो आप फेसबुक पे भी हैं आप इंस्टाग्राम पे भी हैं आप पींट्रस्ट भी यूज कर रहे हैं आप स्नैपचैट भी यूज कर रहे हैं आप यूट्यूब भी यूज कर रहे हैं आप अलग अलग वेबसाइट भी ब्राउज कर रहे हैं आप पॉडकास्ट भी सुन रहे हैं तो इस तरीके से आप खुद यूजर अगर देखेंगे तो आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होते हैं या फिर उनको कंज्यूम कर रहे होते हैं यहां पे मान लीजिए कि आप एज ए ब्रांड आपका वेबसाइट पे कोई यूजर विजिट करता है तो उसके इंटरेक्शन के बेसिस पे आप देख सकते हैं कि वो कैसे इंटरैक्ट है आपकी वेबसाइट के साथ उसको यूज करते हुए आप यहाँ पे मान लीजिए फेसबुक तो फेसबुक के पिक्सल को यूज करके आप एक उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने वेबसाइट में एंड उसके बेसिस पे आप एक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं एंड जो ऑडियंस क्रिएट होगी वो जब मान लीजिए आपका जो यूजर है वो जब फेसबुक पे जाएगा तो उसको आपका एड्स वहां पर भी विजिबल होगा तो ये एक री के लिए काफ़ी अच्छा मेथड है आप ये सेम ट्विटर के लिए भी कर सकते हैं ट्विटर पर भी आप सेम पिक्सल ले सकते हैं एंड वहां पे ये सेम मेथड से आप उनको वहां पर भी एड्स लगा सकते हैं अब तो ये हो सकता है कि आपका जो यूजर है या आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो ट्विटर पे ज्यादा टाइम बिताता हो फेसबुक पे ना बिताता हो तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप पहले अपने ऑडियंस को जाने आपकी ऑडियंस क्या टाइम कहाँ ज्यादा सबसे सब ज्यादा सब टाइम गुजारती है या सबसे सब ज्यादा टाइम देती है कंज्यूम करती है किस एज जोन में आती है किस एज रेंज में आती है क्या उनके इंटरेस्ट वगैरह होते हैं तो ये जो बेसिक नॉलेज है अपने ऑडियंस की आप वो जरूर रखें एंड अगर मैं आपको बताऊँ तो फेसबुक के लिए जैसे मैंने बताया फेसबुक पिक्सल यूज करके इंटीग्रेट करके एड्स आप

सारे चैनल्स को यूज करते हुए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए तो वो आपका हो जाता है ओमनी चैनल मार्केट सो आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो इसी तरीके की और वीडियोज हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं सो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें थैंक यू फॉलोअर्स फॉर मोर